साथ स्कैम हुआ, मतलब क्या ऐसा लगा कि यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, बता दे। बोलना, जो दुकान में प्रसाद मिलती है वो 250-300 रुपये का रहता है, जो बाहर जाएंगे मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं वो भी वही देते हैं, मगर वो 50-60-70 रुपये में देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इधर। और अंदर भगवान के अंदर कुछ ये कुछ भी नहीं लेके जाना अलाउड नहीं है, रोज ना मोबाइल फोन ना कुछ। तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज गाइज शिरडी में अपना दूसरा दिन है, जो कि ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट टू बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फर्स्ट पूरा जितना रिव्यू दिया हूँ आपको आने जाने का साईं बाबा के इधर शिरडी का, वो अगर आपको देखना है तो वो आई बटन में मैं दे देता हूँ, आप उधर से देख लीजिए। और यहाँ पे गाइज शिरडी तो सभी आते हैं लेकिन ये कुछ बातों का ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस जैसे कि शिरडी सबको पता है कि सब लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, कुछ जो जिनको पता भी है वो भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मालूम होगी किसी को, जो कि मैं भी पहली बार आया गाइस तो मुझे पता चली ये चीज़ें कि यहाँ पे भी स्कैम होता है, थोड़ा बहुत फ्रॉड होता है, जो कि होटल लाइन में होता है और कुछ जब हम जाते हैं वहाँ दर्शन करने वहाँ के लिए भी होता है। तो ये स्पेशली मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा सा ही बताऊंगा, बस आपके काम आनी चाहिए इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम लोग ग्रुप में आए 10 लोग और हम लोग के साथ ये चीज़ें हुई है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली अगर आप आते हैं शिरडी तो ये बातों का ध्यान रखिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे आप फैमिली के साथ या आप कपल या कोई भी आता है वो सबके लिए ये वीडियो है, आप इससे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिलेगा। अगर हम आते हैं यहाँ पे गाइस तो सबसे मेन फंडा चालू होता है, हम लोग जब स्टेशन पे उतरते हैं वहाँ से हम शेयरिंग ऑटो या कुछ भी लेते हैं, तो वहाँ से हमको ये ध्यान दे के आना चाहिए कि अगर हम वहाँ से पकड़ते हैं ऑटो और आते हैं तो उनसे ये चीज़ें डिस्कस ना करें कि मुझे होटल दिलाएं या होटल पे लेकर जाएं या कोई होटल है आपके नज़र में जो अच्छा हो या कम दाम में आपको दे, तो वो उन लोग का रहता है, जो कनेक्ट रहते हैं दोनों लोग जो ऑटो वाले लेकर आता है यहाँ होटल में, वो लोग भी कमीशन खाते हैं, मतलब ऑटो वाला जो होटल आप लेते हैं उनसे कमीशन खाते हैं ये चीज़ के लिए कि क्या कहते हैं अगर हम होटल ले रहे हैं जैसे, तो वो लेकर आ रहा है यहाँ पे कस्टमर लेकर आ रहा है, सब कुछ लेकर आ रहा है, तो वो उसके लिए भी कमीशन लेते हैं। आप ऑटो वाले के साथ कन्वेंस करके अगर आप आ रहे हो, अगर जैसे ऑटो वाला बोल रहा है कि मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आपको रूम भी चाहिए तो वो भी दिलाता हूँ कम बजट में आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कम बजट में आपको दिलाऊंगा, तो ये सब चीज़ों में मत आइए। आपको अगर आप आए हैं तो जहाँ आपको बिलीव है रहने के लिए, जहाँ आपको कम बजट में मिल रहा है वहाँ रहिए, क्योंकि इन लोग का आपस में कनेक्ट रहता है, आप ये कमीशन खाते हैं दोनों लोग अगर ऑटो वाला लेकर आता है यहाँ पे होटल में। ये मैं पर्सनल अपने बता रहा हूँ कि आपके साथ ना हो ऐसा, क्योंकि हम लोग ग्रुप में आए थे, हम लोग के साथ ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि वो लेकर आते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे आपको होटल दिलाएंगे और वो उनसे अपना कमीशन लेंगे जो भी रहेगा, महंगा थोड़ा होटल दिलाते हैं, और उसके बाद वो होटल वाले अगर आपको अपना फ्री सर्विस देते हैं ऑटो लेकर जाते हैं, अगर आपको मंदिर लेकर जा रहे हैं तो वहाँ प्रसाद वाले जो आपको प्रसाद देते हैं वो। कहाँ पे फोन हो रहा है जमा, फोन जमा कर दे तू, अभी अंदर का सीन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वहाँ प्रसाद वाले जो आपको प्रसाद देते हैं वो आपको क्या कहते हैं इनके इनके थ्रू वहाँ पे ले जाएंगे, और होटल वाले का उनका कनेक्शन रहता है, और दोनों लोग वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है, स्कैम होता है वहाँ पे भी, वो लोग पैसे लेते हैं ज़्यादा। जो प्रसाद मैंने बाहर देखा 80 रुपये में एक थैला पूरा मिलता है, उसमें आपको मिलता है पेड़े मिलते हैं और उसमें चने का ये सब पूरा आइटम रहता है, 80 रुपये में देते हैं, वो भी 4-5 आइटम रहता है, और वो लोग 250-200 में देते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस, इतना ज़्यादा स्कैम होता है यहाँ पे सबसे चीज़ें, और प्रसाद में भी ये सब चीज़ें चालू हो गए गाइस, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप आए तो होटल वाला और जो ऑटो से आप आ रहे हैं वो चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको आपको मतलब ऐसा ना रहे कि उन लोग का आपस में क्या कहते हैं फ्रॉड करें, थोड़ा आपसे ज़्यादा यहाँ पे ले पैसा ज़्यादा ले आपसे, तो वो चीज़ों से बचें। और वहाँ पे गाइस जो भी आपको प्रसाद मिलता है सब कुछ वो आपको कम बजट में आप बाहर कहीं ले लेंगे वहाँ पे, तो वो चीज़ें मिल जाती है, मंदिर में दर्शन भी हो जाता है, जो कि वहाँ पे मंदिर में आपको क्या कहते हैं प्रसाद ले जाने को नहीं मिलता है, आपको क्या कहते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको लेंगे बोलेंगे मैं लेके जाऊंगा और वहाँ पे चढ़ा के आपको यहाँ पे ही दुकान पे ही दे दूंगा, तो मतलब क्या हुआ गाइस हम लोग गए वहाँ पे और क्या कहते हैं हमने प्रसाद लिया, 200 रुपये लिए सबसे एक लोग से, हम लोग 10 लोग थे, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना हो गया, 2000 हो गया सिर्फ, अगर 200 के हिसाब से लेते हैं तो जो भी रहेगा आप। हाँ भाई सबका फोन ले ले दो, जमा फोन ही नहीं रखा, हाँ दौरा करा करा क्या फोन जमा करना, काउंट कर ले सब फोन, बहुत फोन हो गया यार। अंदर गए उसमें प्रसाद वरसाद ले जाने नहीं देते कुछ भी, हम लोग लेके गए थे सब लोग, जितने लोग गाइस गए थे सब लोग कोई अंदर प्रसाद नहीं, सबको वहीं दिया और बोला
कि यहीं रख के जाओ, हम लोग चढ़ा देंगे और यहीं से लेके जाना। और सब लोग का स्कैम हो गया, सबको 200-200 रुपए का चूना लगा वहां पे। और कुछ भी मतलब प्रसाद ले ही नहीं जाना है, अंदर चढ़ाना ही नहीं है, तो गाइस ले ही क्यों, बाहर से ले ले 70-80 रुपए में अपने को मिलता है। सब लोग को क्यों इतना ले ही जाना प्रसाद, तो बाहर भी जो गरीब देते हैं उनसे ले लेंगे तो उनका भी भला अपना भी भला। ये लोग ऐसा रहता है कि पूरा होटल से कनेक्ट रहते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ पे भी ये सब मतलब अपने प्रसाद वाले से कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे इनसे लेना, इनसे सब कुछ, और वो ज्यादा ही ले लेते हैं पेमेंट। क्यों, सही है कि नहीं? सही है। कितना लिया तेरे से? 200। कितना? 200। और जितने लोग इधर आगे पीछे 10 लोग ग्रुप में आए हैं सबसे गाइस उतना ही लिया है। और ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें है गाइस, जो आप इससे बच सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो गाइस सबसे ज्यादा इसने ही दिया है, देखो ये बहुत ज्यादा उदास है। भले ही 250 दिया, बोला भगवान के नाम पे ले लिया, हम लोग से 200 लिया, चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उदास है। क्या बोलना चाहेगा बोल, ये लोग जो भी देख रहे हैं बोल, उनके लिए क्या बोलना चाहेगा बोल कुछ? सतर्क रहो बस। तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ये बताओ, बता तू कि मतलब तुझे क्या नोटिस हुआ यहाँ पे आने के बाद, क्या बातें को ध्यान रखना चाहिए क्या बातों को नहीं? नहीं, बहुत तेज हो रहे हो हैं। अरे देखो गाइस शर्मा रहा है लड़कियों जैसा, लेकिन बताने की कोशिश अच्छी है लेकिन बता नहीं पा रहा है, तो अभी बताएगा। तुमसे ना हो पाएगा। क्या तेरे साथ स्कैम हुआ, मतलब क्या ऐसा लगा कि यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, बता दे बोला। जो दुकान में प्रसाद मिलती है वो 250-300 रुपए का रहता है, जो बाहर जाएंगे मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं वो भी वही देते हैं, मगर वो 50-60-70 रुपए में देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इधर। और अंदर भगवान के अंदर कुछ भी नहीं लेके जाना अलाउड नहीं है, रोज ना मोबाइल फोन ना कुछ भी नहीं, खाली जाओ खाली हाथ आओ, बस इतना है मंदिर में जाने के लिए। बोलना चाहेंगे कि सिंपल से वर्ड में कि आप सीढ़ी सब लोग आते हैं ये बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि स्कैम होता है यहाँ पे और किस चीज़ से बचना चाहिए किस चीज़ से नहीं, तो वो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे आने में। छोटी छोटी चीज़ें अपने को बहुत प्रॉब्लम में डाल देती है, क्योंकि हम बाहर आए हुए हैं घूमने के लिए दर्शन करने के लिए, तो वो चीज़ें बातों को ध्यान रखते हैं हम लोग, तभी जाके यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे सबके साथ लमसम 50% लोग बताते ही नहीं कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि उन लोग पैसे वाले हैं और हम लोग नॉर्मल है, जो कि हम लोग को ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। हम लोग काम करते हैं तो यहाँ मेहनत से सब लोग आते हैं घूमने के लिए कि कहीं दर्शन कर लें थोड़ा एंजॉय कर लें, तो उसमें भी हम लोग के साथ ऐसा होगा। तो गाइस आप सबके साथ ना हो इसके लिए आपको ये बता रहे हैं, और आप ये सब बातों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए, आप आइए तो जरूर ये सब बातों का ध्यान रखिए। तो चलो ये वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपको कुछ थोड़ा भी नॉलेज मिला रहेगा तो आपको पता क्या करना है, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।